मैं ठीक हूँ। तुम कैसे हो? घर में सब कैसे हैं? तुमने खाना खाया? तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे थे? मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ। दोस्तों, ये सारे सेंटेंसेस जो है हिंदी के ही सेंटेंसेस है और हमें इसको हिंदी में ही बनाना है। इंग्लिश में बनाएंगे लेकिन ऐसा हिंदी में बनाएंगे जो हम व्हाट्सएप पे जो हम चैट करते हैं अपने दोस्तों से या किसी से भी जो हम व्हाट्सएप पे चैट करते हैं, व्हाट्सएप लैंग्वेज में जब हमें इसे बोलना होता है तो कैसे बोलेंगे। आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट समझा दूंगा। इसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप व्हाट्सएप की चैटिंग जो है वो आप इजीली कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इन सब सेंटेंसेस को, इन सब बातों को इंग्लिश में हम कैसे लिखेंगे। तो व्हाट्सएप चैट लैंग्वेज को सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको जो बताऊंगा बस उसको आप एक बार देखें और फॉलो करें। बस थोड़ी सी मेहनत करें, आपको ऑटोमेटिक जो है सारे इंग्लिश के जितने भी सेंटेंसेस है वो आप खुद से टाइप कर पाएंगे। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे अ जो लिखा है ये, इसको बस आपको इंग्लिश में याद करना है। और याद करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे याद करना है। तो क्या है, ए से अ, डबल ए से आ, आई से ई, डबल ई से ई, यू से ऊ, डबल ओ से ऊ। यहाँ पे क्या करना है आपको, बस ये इंग्लिश के ये वर्ड याद करने कि ए से क्या होता है अ, डबल ए से आ, आई से ई, डबल ई से ई, यू से ऊ, डबल ओ से ऊ। बस ये आपको याद करना। इसी तरह ये ई से ए, आई से आई, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अंग, ए एच से अ, के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, ए आर से अरह, सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एच से झ, एन वाई से न्य, टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से न, टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, एन से न। आप देखेंगे ट ठ ड और त थ ड का जो स्पेलिंग है दोनों सेम ही होते हैं, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होती है। इसी तरह क्या है, पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से म। आपको बस ये याद करना है, कुछ नहीं करना है, आपको बस एक बार देखना है, लिखना है कॉपी में और इसको याद करना है। इसी तरह हमारा यर लवा होगा, इसमें क्या होगा, वाई से य, आर से र, एल से ल, डब्ल्यू से व, कई बार वी से भी व कहते हैं हम, वी या डब्ल्यू दोनों का मतलब व होगा, एस एच से स, एस एच से स, एस से स और एच से ह, के एस एच से अक्ष, टी आर से त्र, जी वाई से ज्ञ। तो आपको जो है बस ये अ आ से ज्ञ तक याद करना है, इसकी स्पेलिंग्स को याद करना है। और वो आप कैसे याद करेंगे, आप जैसे जैसे इसको लिखेंगे उसके साथ जो आप प्रैक्टिस करेंगे, कुछ सेंटेंसेस आप खुद से लिखने की ट्राई करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक जो है ये याद हो जाएगा। मुश्किल से आपको 2 से 4 दिन में जो है एकदम आप फर्राटेदार जो है आप इसको लिख पाएंगे, फटाफट लिख पाएंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी, बस थोड़ी सी मेहनत की बात है, बस थोड़ा सा 1-2 दिन 4 दिन पढ़ लेंगे आपको अपने आप ये समझ आ जाएगा। अब ये तो हो गया अ से ज्ञ तक आपने ये याद कर लिया। दूसरा काम क्या करना है, आपको ये मात्राएं याद करना है। इस अ से ज्ञ तक याद हो जाएगी, ये मात्राएं जो है ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगी। बस अ से क्या है, अ तक है, बस यही हमारी मात्राएं होती है। तो क्या हो गया, ए से अ, डबल ए से आ, यहाँ पे ये अ जो है ये गलती से लिख दिया मैंने, ये आ का मात्रा होता है, ये आ का मात्रा होता है। और जब हमें आ का मात्रा देना होता है तो क्या लिखते हैं हम, ए लिखते हैं, क्योंकि ए तो है ही, ए लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, सेंटेंस देंगे अपने आप समझ आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अ आ, आई से ई, ये मात्राएं आप देख सकते हैं, डबल ई से ई, यू से ऊ, ये छोटी ऊ है, डबल ओ से ऊ, ये बड़ी ऊ है, ई से ए, आई से आई, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अंग, ए एच से अ। तो यहाँ पर आपको बस एक ये मात्राएं देखना है कि किस मात्रा के लिए हम कौन सा इंग्लिश देंगे। जैसे बड़ी की मात्रा के लिए हम क्या देंगे, डबल ई, छोटी की मात्रा के लिए यू, बड़ी की मात्रा के लिए डबल ओ। इसी तरह क्या है, औ, जब ये मात्रा होगा तो हम क्या लिखेंगे, ए यू। बस आपको ये चीज़ें बस आपको याद करनी है और कुछ नहीं है। उसके बाद क्या है, हम सेंटेंसेस सब बना के देखते हैं। आपने 2 चीज़ कर लिए, आपने पहले क्या करना है, अ से ज्ञ तक याद करना है, उसके बाद ये मात्राओं को समझना है। यहाँ तो याद होगा ही, आपको बस समझना है कि किस मात्रा का इंग्लिश कैसे होता है।
ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम सेंटेंसेस देखते हैं, जैसे वर्ड्स है लिखे। पहला क्या है, घर चल, ताला ला, खाना खा। ये मैंने छोटे से लिखे हैं ताकि आपको समझा सकूं मैं। तो यहाँ पर क्या है, घर, घ की स्पेलिंग क्या होगी, जी एच। तो क्या लिखे हम, जी एच, जी एच से घ। उसके बाद क्या है, र, तो र की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, आर। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर जी एच से घ हो गया और आर से र हो गया, तो घ और र के बीच में जो हमें एक वर्ड डालना होता है वो होता है ए। ये ए क्या करेगा, घ और र को दोनों के बीच में क्या है, डिफरेंस, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गैप करने का काम करेगा, इन दोनों के बीच में गैप करने का काम करेगा। ए हम क्यों लगा रहे हैं, ये मैं अभी आपको आगे आने वाले वीडियो में समझा दूंगा कि ए की ज़रूरत हमें यहाँ पे क्यों पड़ रही है। तो क्या होगा, जी एच ए आर, जी एच ए आर से घर। आप सोचेंगे कि जी एच से घ हो गया और आर से र हो गया, तो हो गया जी एच आर घर, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। हमें जी, इन दोनों के बीच में क्या करना है, यहाँ पे एक बॉर्डर की ज़रूरत है जो इन दोनों को अलग करे, वो कौन करेगा, ए। तो जी एच ए आर से घर। इसी तरह क्या है, चल, तो चल की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, च की स्पेलिंग, सी एच, सी एच से च, ए एल, चल। उसके बाद क्या है यहाँ पे, ताला। तो अब देखेंगे यहाँ पे क्या है, टी से होता है त, तो, टी से हो गया त, तो, और उसके बाद क्या है, इस पे आ की मात्रा, और आ की मात्रा के लिए हम क्या लगाएंगे, ए। आ की मात्रा के लिए क्या लगाएंगे, ए। ए से तो अ हो गया ना, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे ए है, तो ए से अ, और ये आ की मात्रा के लिए हम क्या लेंगे, ए, एक ए लेंगे। तो क्या हो जाएगा, आ की मात्रा के लिए टी से त हो गया, जैसे यहाँ पे अ के लिए ए है तो यहाँ पे त के लिए क्या हो जाएगा, टी, और आ की मात्रा के लिए ए है तो यहाँ पे आ की मात्रा के लिए क्या लिखेंगे हम, ए, टी ए एल। अब यहाँ पे बार बार ए लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पहले मात्रा लगा, जहाँ मात्रा नहीं लगा वहाँ हम ए लगाते, जहाँ मात्रा हो वहाँ हमें ज़रूरत नहीं होती है अलग से ए लगाने की। तो क्या हो जाएगा, टी ए एल ए, ताला, फिर क्या है, एल से ल, तो एल ए ताला ला। के एच से क्या हो जाएगा, ख, ए की मात्रा यहाँ पे आ की मात्रा, आ की मात्रा के लिए मंगाएंगे ए, के एच से, के एच ए से खा, फिर आ जाएगा न के लिए एन, और ए आ की मात्रा के लिए ए, के एच ए एन ए खाना, खा, के एच, फिर ख के लिए क्या लेंगे, के एच, यहाँ पर आ की मात्रा है तो क्या लेंगे, ए। तो क्या हो गया, घर चल, ताला ला, खाना खा, कितना सिंपल सा है। इसी तरह देखें, पानी पी, अब देखेंगे यहाँ पे पानी क्या लिखा है, पानी, तो पानी के लिए हम क्या लेंगे, पी के लिए, प के लिए क्या हो जाता है, पी, और आ की मात्रा के लिए हम क्या लेंगे यहाँ पे, यहाँ देख सकते हैं ए, तो क्या हो जाएगा, ए, पी ए से पा, फिर न के लिए क्या लेंगे, एन, और यहाँ पे क्या है, बरी की मात्रा है, यहाँ पे क्या है, ये बरी की मात्रा है, तो बरी की मात्रा के लिए क्या लगाते हैं हम, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, डबल ई, तो क्या जाएगा, पी ए एन डबल ई, पानी, ये हो गया। उसके बाद क्या है, पानी पी, फिर क्या आएगा, पी डबल ए, पानी पी। उसके बाद क्या है, खाना, फिर क्या आ जाएगा, के एच ए एन ए खाना, अभी, अभी आपके अ, तो अ के लिए क्या हो जाता है स्पेलिंग, ए, भ के लिए हो जाता है बी एच, बी एच, और यहाँ पे बरी की मात्रा है तो बरी की मात्रा, अभी, मत, एम, अब यहाँ पे म और त के बीच में कोई मात्रा नहीं है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, ए, ए का कोई मतलब नहीं है, बस इन दोनों के बीच में गैप का काम करेगा, तो क्या आ जाएगा, एम ए टी, मत, खा, क्या हो जाएगा, के एच ए, खा, ठीक है। इसके बाद क्या है, आगे इसी तरह और सेंटेंस क्या है देखते हैं हम। अब यहाँ क्या है, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं ठीक हूँ, तो माँ, यहाँ पर माँ लिखा हुआ, तो माँ की स्पेलिंग हो जाएगी एम, और आई की मात्रा है तो क्या हो जाएगा, ए आई, मैं, एम ए आई, मैं, ठ, ठ की स्पेलिंग क्या हो जाएगा, टी एच से ठ, बरी की मात्रा है तो डबल ई, ठी, और क के लिए क, के, मैं ठीक। तो क्या हो गया, मैं ठीक हूँ, अब यहाँ पे ह है तो ह के लिए क्या हो जाएगा, एच, अब क्या है, हूँ, तो ऊ की मात्रा जो है सबसे पहले निकल रही है, यहाँ पे दो मात्रा है, ऊ की भी है और यहाँ पे अंक की भी है, तो यहाँ पहले आ जा रहा है हूँ,
लास्ट में आ रहा अंग की मात्रा जो लास्ट में बोलते वक्त आते तो हम कह लेंगे एच, ओ की मात्रा है तो डबल ओ, एच डबल ओ, और अंग के लिए लिखेंगे एन, एच डबल ओ एन, हूँ मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो, तो क्या आ जाएगा तुम की स्पेलिंग टी यू एम, तुम के ए आई एस ई, कैसे, ए आई से क्या हो जाएगा आई की मात्रा, एस से स, ई से बड़ी की मात्रा, ए की मात्रा, तो क्या कैसे, तुम कैसे हो, तो एच से ह, ओ से ओ की मात्रा, तो हो, घर, जी से जी से क्या हो जाएगा जी एच, सॉरी जी एच से घ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ए आर, घर, में सब कैसे हैं, तो एम ई में एस ए वी, घर में सब, फिर क्या आएगा कैसे, तो के आई कैसे हैं, एच यहाँ पे डबल ए की आई की मात्रा है, तो यहाँ क्या आएगा एच ए आई, घर में सब कैसे हैं, तुमने खाना खाया, तो तुमने त, टी से क्या हो जाएगा त, तो टी यू से तू, उसके बाद क्या है म, म ए एन ए, तुमने, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे म और न के बीच में हमने गैप बना लिया, किसका उसके ए की, इसका कोई मात्रा आ का मात्रा नहीं है यहाँ पे, सिर्फ एक गैप बना रहे हैं हम, तुमने खाना, तो क्या हो जाएगा सॉरी के एच ए एन ए, तुमने खाना खाया, तो के एच ए वाई ए, तुमने खाना खाया, उसके बाद क्या, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे थे, तो क्या हो जाएगा तुम की स्पेलिंग टी यू एम, तुम मुझसे एम यू जे एच ए, तुम मुझसे एम यू से मू, जे एच से झ, यहाँ पे स और झ के बीच में गैप बनाने हम क्या उसका ए का, तो मुझ से एस, एस से स, ई से ए की मात्रा, तो से मू झ से, तुम मुझसे बात, तो बी ए टी बात क्यों नहीं कर रहे थे, तो अब देखेंगे यहाँ पे क्या आ गया क्यों, आधा क फिर आ गया य, तो यहाँ पे जो अब हमारा ए का रोल यहाँ पे आता है, यहाँ आप देखेंगे कि आधा क है, इससे पहले जो है सारे वर्ड जो है बड़े अपने पूरे मूल रूप में थे, कोई भी आधा नहीं था, अब यहाँ पे अगर हम ए लगाते हैं तो ये क जो है ये आधा नहीं रहेगा, पूरा क हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी दोनों चिपके हुए हैं, लेकिन ए लगाने का मतलब क्या, इन दोनों के बीच में हमने क्या कर दिया गैप डाल दिया, तो क्या हो जाएगा आधा क के लिए जब होगा तो हम ए का यूज नहीं करेंगे दो वर्ड के बीच में, कैसे देखेंगे, तो क्यों, के वाई डायरेक्ट क्या हमने डाले, य के लिए क्या डाल दिया वाई, क के लिए के और य के लिए वाई, और यहाँ पे क्या आ गया ओ की मात्रा, तो के वाई ओ क्यों, अब यहाँ पे ए नहीं डाला क्यों, क्योंकि यहाँ पे क जो है आधा है, अगर पूरा क होता तो हम ए डालते, तो जब आधा होगा कोई अक्षर आधा होगा तो उसके बीच में गैप को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे ए को वहाँ से हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा क्यों, के वाई ओ क्यों नहीं, एन ए एच आई क्यों नहीं कर, के ए आर यहाँ पूरा क है और र भी पूरा, तो यहाँ हमने ए डाल दिया, उसके बाद क्या रहे, तो आर ए एच ए कर रहे थे, तो थ की स्पेलिंग क्या हो जाती है टी एच ई से ए की मात्रा, कर रहे थे मैं, एम ए आई मैं तुम्हें, अब देखेंगे आधा में आ गया, तो क्या जगह आधा माँ किसके साथ जुड़ा है, ह के साथ जुड़ा है ना, तो इन दोनों के बीच में जो है ए का गैप नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा टी यू एम एच ई, यहाँ पे ए जो हमने नहीं लगाया, तो क्या हो जाएगा आधा माँ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आधा माँ, तुम्हें बहुत, तो बी सॉरी बी ए, यहाँ पूरा ब है तो ए, एच से ह, यू की मात्रा ओ के लिए यू की यू, और फिर त बहुत याद, तो क्या हो जाएगा वाई ए डी याद करता हूँ, के ए आर टी ए करता हूँ, एच डबल ओ एन करता हूँ, अब यहाँ पर आप एक और चीज़ देखेंगे कि यहाँ पे जो मैंने लिखा करता हूँ वो जो ये वरीयू की मात्रा के लिए मैंने क्या लगाया डबल ओ, आप चाहे तो एच यू एन भी लिख सकते हैं,
ये एक्सेप्शनल होता है, आप चाहे तो कोई सा वर्ड यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो यू लगाएं, आप चाहे तो डबल ओ लगाएं, इसी तरह कहीं पे भी है। जैसे आप यहाँ देखेंगे, नहीं यहाँ पे बरी की मात्रा है लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिखा, आई, तो आप चाहे तो आई भी लिख सकते हैं। बट आपको पता यहाँ पे ये क्या है कि आप चैटिंग वैटिंग कर रहे हैं उस टाइम आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको बस पता होना चाहिए कि कब बरी के लिए हम कब डबल ई लगाएंगे, कब जो है छोटी के लिए आई लगाएंगे, ये आपके ऊपर, आप चाहे तो आई लिख सकते हैं, आप चाहे तो डबल ई भी लिख सकते हैं, बस जो आपको ईजी लगे वो आप करिए। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि एग्जैक्ट जो है स्पेलिंग देना होता है, ऐसा नहीं होता। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो समझ आया होगा कि कैसे जो है इन सारे वर्ड का यूज़ करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।